बचपन से सुनते हैं हम लोग, बड़े होते आए हैं। इस गाने में एक वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रेशन का जो एक्सपेरिमेंट आपने किया, वो कैसे आप लोगों के जहन में आया कि कुछ ऐसा ट्राई करें? क्योंकि अक्सर फोक सुना करते हैं हम लोग जनरली आपके बहुत से म्यूजिक। माइक ऑन कीजिए प्लीज। देखिए क्या होता है, बताओ आपको, हमेशा कोई चीज़ हमको सीखनी पड़ती है, लाइफ लर्निंग। ऐसा नहीं कि हम बहुत सीखे हो। हमको क्या था कि हम जब देखते थे फॉरेन फिल्म, उसमें हर एक पिक्चर के अंदर थीम पीस होता है। हर एक पिक्चर में थीम पीस होगा, उसको पकड़ के पूरा फिल्म में वो म्यूजिक आता है, वो होता है। तो हमारे सुभाष गिरी साहब को बहुत शौक कि भाई पहले जी अपन थीम पीस बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे कुछ। तो हमने क्या किया, लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि देख प्यारे, ऐसा करते हैं अपन लोग एक थीम पीस बनाते हैं जी। जो आपने सुना अभी हमारे भाई साहब गौरव जी ने बजाया था, टन डन डन डन, आप समझे ना जी। तो वो थीम पीस को लेके, उस थीम पीस के नोट्स को लेके, वो कॉर्ड्स, वो इफेक्ट, वो साउंड लेके हमने इस गाने के अंदर यूज किया है। और उसके अंदर फिर ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर थोड़ा सा वैश्नैज यूज किया, लेकिन वैश्नैज रखते हुए गाने के अंदर हमने क्या किया कि डायलॉग, गाना, सिंगिंग, म्यूजिक, रिदम, हर एक में अभी इतनी बातें करने वो है, लेकिन थोड़ा हमने सुन के बाहर से और उस ढंग से हमने थोड़ा वैश्नैज किया है। और उसको किशोर जी ने जिस मूड से गाया है बहुत मजा आया था, और आज हम फिर वो गाने को और ये ब्लेंड जो है इंडियन एक फील का और एक वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रेशन का, वो हमारे साथ हमेशा आज तक रहा है। सो लेडीज जेंटलमैन, एक हसीना थी tonight presenting to you Mr. B.G. Raj from our very own Bengaluru. We invite him upon the stage, please. And accompanying him is again our very own Nath Chandrika. Can you imagine the nervousness and dread of him? Please tolerate. Oh,
Yeah.